मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है और बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। जानकारी भी मिली कि दोपहर 12:30 पर आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल के मिंटो हॉल में घोषणा पत्र जारी करेंगे, जो महिला, किसान और युवाओं पर केंद्रित हो सकता है। घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने का भी प्रयास किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए योजनाएं भी नजर आएंगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे कई सारे वादे शामिल हैं। तो पार्टी का घोषणा पत्र दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है और दोपहर में आज घोषणा पत्र जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी का मिंटो हॉल में दोपहर 12:30 पर खासतौर से कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। तो बता दें, युवाओं और महिलाओं और खासतौर से बेरोजगारों के लिए क्या कुछ सौगात मिलती है घोषणा पत्र में, फिलहाल देखना होगा। लेकिन मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां हर वर्ग को साधने की पूरी तरह से कोशिश बीजेपी करने वाली है। तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जनता से बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के लिए जनता और समाज के अलग अलग तबकों से सुझाव भी मांगे थे। बिल्कुल, सुझाव मांगे गए हैं। हर वर्ग को साधने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और अब जिस तरह से सुझाव आए हैं उसके मद्देनजर किस तरह से घोषणा पत्र में वो शामिल होता है फिलहाल देखना होगा। लेकिन 12:30 पर घोषणा पत्र जरूर बीजेपी का आ जाने वाला है। तो इंतजार बस कुछ ही देर का, जहां कांग्रेस पहले ही अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे कर चुकी है। तो देखना होगा कि कांग्रेस से कंपेयर करते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र कितना अलग होता है और जनता के पक्ष में कितना ये घोषणा पत्र होगा। तो किसका घोषणा पत्र कैची होगा, आकर्षित होगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन बता दें, कांग्रेस के भी अपने वादे और दावे हैं, अपना पिटारा भी कांग्रेस खोल चुकी है और अब ऐसे में बीजेपी किस तरह से अपना पिटारा खोलती है और क्या कुछ खास रहेगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि दावा वादा यही किया गया है कि हम हर वर्ग को पूरी तरह से साधेंगे। और जिस तरह से विचार विमर्श लगातार किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व से भी सलाह मशवरा की जाती रही है और ऐसे में अब कितना खास होगा और किस तरह का अमल इसमें होता है फिलहाल 12:30 का और इंतजार करना होगा। लेकिन INS 24/7 पर आपको घोषणा पत्र से जुड़ी तमाम वो जानकारी मिलती रहेगी और अपडेट्स भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो वही कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो किसानों और महिलाओं पर खास फोकस देखने को मिला। पार्टी ने घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार बनने पर 2,500 रूपये प्रति क्विंटल धान और गेहूं 2,600 रूपये क्विंटल की दर से खरीदेंगे। वहीं उपज का 3,000 की क्विंटल देने का मिशन भी शुरू होगा। 2 रूपये किलो की दर से गोबर भी खरीदा जाएगा। तो कई सारे लोक लुभावन वादे कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए हैं। अब इंतजार है तो भाजपा के घोषणा पत्र का, जो आज दोपहर 12:30 पर जारी होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ के। अनुराग, किस तरह का ये घोषणा पत्र हो सकता है, क्योंकि बार बार ये कहा गया, सलाह मशवरा खूब होता रहा, लोगों से घर घर जाकर पूछताछ भी होती रही, क्या होगा खास? देखिए, जो कि बीजेपी के जिस घोषणा पत्र की बात करते हैं, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया, दरअसल उस संदर्भ में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, वो ये है कि इस घोषणा पत्र में सबसे अलग अलग वर्गों से चर्चा की गई, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिलाएं हैं, तमाम लोगों से। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस संकल्प पत्र की जो भूमिका बनाई गई है उसमें काफी सारे लोग थे, लेकिन जयंत मलैया जो है वो इसमें मुख्यतः जो इसके सभापति थे इस पूरी समिति के, और उसी के अकॉर्डिंगली ये पूरा की पूरा अगर हम देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये घोषणा पत्र जारी होने वाला है। लेकिन इस घोषणा पत्र में जो 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, एक किसानों को लेकर संदर्भ में है, वो है बोनस को लेकर जो इसमें शामिल होगी। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना तो है ही, इस लाडली बहना योजना के एक एक्सटेंशन फॉर्मेट की इसमें कहीं ना कहीं जिक्र रहने वाला है। युवाओं के लिए एक नए बेरोजगारी भत्ता और साथ में ट्रेनिंग स्कीम जो है इसमें शामिल की जाएगी, ये तय माना जा रहा है। खास तौर पर इस घोषणा पत्र को 3 ही जो समूहों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, महिला, किसान और उसके बाद में अगर हम बात करें तो युवा। लेकिन काफी बड़ा प्रारूप इस घोषणा पत्र का है, लगभग 106 मुख्य घोषणाएं इसमें शामिल है लोकल मैनिफेस्टो के अलावा, मतलब सेंट्रलाइज्ड मैनिफेस्टो जो आज जारी हो रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस से घोषणा पत्र से अलग बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा, किस तरह के वादे होंगे, फिलहाल नजर बनाए रखिए और बने रहिए आप हमारे साथ। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए भाजपा करने वाली है। जेपी नड्डा आज दोपहर 12:30 पर घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसे संकल्प पत्र भी भाजपा कह रही है।